कोई अरमां थक के कब चूर हो जाए, क्या पता धड़कनों के हर सांस से कोई सदा हमेशा के लिए दूर हो जाए, क्या पता कोई ख्वाहिश लबों पे आते आते कब मजबूर हो जाए। कोई तो हो जो थके पंखों को उड़ान दे, वो कौन है जो आशाओं को नई पहचान दे। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अनु वर्मा। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप में काम करना क्यों हर किसी के लिए ठीक नहीं होता है। दर्शकों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में हमें कॉल करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है
01246666999। और अगर आप इसी समय हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप वो भी जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट astroscience.com पर जाएं, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालें और अपनी प्रिडिक्शन को अच्छे से पढ़ें। और जो भी इस समय प्रेजेंट में आपकी सबसे बड़ी समस्या है उसे कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें हमारे फेसबुक के इनबॉक्स में। यहाँ अपना नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले स्वागत करते हैं गुरुदेव का, क्योंकि वही हमें जीवन का सही रास्ता दिखा सकते हैं। गुरुदेव जय माता दी। जय माता की बेटा, खुशहाली दाता, सदा सुखी रखे। गुरुदेव आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। जब हम पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें किन बातों का खास ध्यान रखना होता है? बेटा पार्टनरशिप वैसे तो हर ग्रह ही देता है और हर ग्रह से संबंधित होती है। जिस तरह से प्रोफेशन दुनिया के अंदर बहुत अलग अलग है और बहुत ही अलग अलग तरह के प्रोफेशन, उसी तरह से अलग अलग तरह के काम, इसी तरह से अलग अलग तरह के पार्टनर। जी, कौन सा पार्टनर है? टेक्नोलॉजी में पार्टनर है, सिर्फ एक स्लीपिंग पार्टनर है, या वर्किंग पार्टनर है, या साथ में देके आधा आधा काम तुम खुद देखते हो। मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनर है, ट्रेडिंग में पार्टनर है, बहुत कुछ होता है। समझे? इतना आसान नहीं है इस चीज़ को देखना बेटा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जन्म कुंडली के अंदर दो ग्रह अगर खराबी पे हैं तो उन लोगों को तो पार्टनरशिप कभी सूट ही नहीं कर सकती। और ये दो ग्रह अगर खराब है तो ऐसी अवस्था में अपने रियल पार्टनर यानी कि जीवन साथी के साथ में भी प्रॉब्लमें आती ही आती हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि जीवन साथी के साथ आज प्रॉब्लम आ रही है और काम के पार्टनर के साथ चार दिन बाद आए, पर आनी होती है। तो इसीलिए यहीं से पहले एक आपको अंदाज़ा लगा के चलना है कि आप पार्टनरशिप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जी ठीक है, अब इसके अंदर खराब क्या क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले मंगल, मंगल जिनका खराब होता है वो पहले ही कर्ज में डूबे हुए होते हैं और कर्ज लेकर के वो पार्टनरशिप करते हैं और फिर डूबते हैं। पहली बात तो ये, इसकी ये पहचान है। ठीक है, फिर दूसरा शुक्र, जो लोग अपनी ज़मीन बेच के किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं होंगे, उनको भी पार्टनरशिप में धोखा मिलना होता है, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरा, जो बहुत एज डिफरेंस पे पार्टनरशिप करते हैं, मान लो आप काम शुरू करने लगे, आप हैं 40 साल के और दूसरा आपका जो पार्टनर है वो है 70-72 साल का, तो उसमें भी प्रॉब्लम आनी होती है। आप मान लो 40 साल के और 18-20 साल के बच्चे के साथ में आप पार्टनरशिप करने लगे तब भी प्रॉब्लम आने वाली होती है। समझिए, अब ये डिफरेंस कौन क्रिएट करता है इतना? ये करता है शनि और चंद्र वाले लोग, जिनका कि शनि और चंद्र मिलकर के नीच केतु बन जाता है। समझिए, तो एक तो इतने डिफरेंस के अंदर पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर भी शनि और चंद्र इकट्ठे हैं उनको बेटा अपनी एज से 2-4-5 साल ऊपर, 2-4-5 साल नीचे, बस इतनी एज तक के लिए लोगों के साथ ही पार्टनरशिप करनी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपना कोई सगा रिश्तेदार हो, पर आजकल तो सगे रिश्तेदार भी नहीं बख्शते बेटा, ये भी हमने आम ही देखा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप आंख बंद करके नहीं चल सकते। शनि और चंद्र के लोग जितने भी होते हैं ये आंख बंद करके सामने वाले का मन रख करके चलने के आदि होते हैं, जिसके कारण हिसाब किताब भी पूरा नहीं देखते और कहते रहे कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। और बाद में पता तब चलता है जब खा पी के अगला सारा पैसा ट्रांसफ़र करके अपने अकाउंट में बैठा होता है और बाद में कहते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ। तो ये हिस्सा बनता है इनके टूटने का। ठीक है, फिर दूसरे जो ज़मीन बेच करके पार्टनरशिप करते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? इनके जोश के अंदर कमी होती है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि एक रिक्शे वाला, रिक्शे वाला लेबर तो करता है लेकिन एक वो आइडिया वाली सोच का जो जोश होता है वो रिक्शे वाले में नहीं होता। जिस रिक्शे वाले में होगा बेटा वो एक दिन और ना से 2-4 ट्रक का मालिक तो बनेगा। समझे, तो ज़मीन बेच करके जो पार्टनरशिप करते हैं बेटा उनके अंदर ये वाले हिस्से की कमी होती है। इन लोगों को अगर मान लो ऐसे में पार्टनरशिप कर ही ली और पार्टनरशिप में तकलीफ आ रही है तो इन लोगों को हर रोज़ मंदिर जाना चाहिए और मंदिर जाके गाय के घी की जोत ज़रूर जलानी चाहिए।
तब इनको अपनी पार्टनरशिप में ठहराव मिलेगा। जी। मंगल, मंगल वाले जो लोग हैं, जो पहले ही कर्जे में होते हैं फिर कर्जा लेकर के पार्टनरशिप करते हैं, ये वाले जो लोग हैं बेटा, इन लोगों को एक तो ये सिर्फ मर्द कर सकता है, इस बात का खास ख्याल रखें कि ये उपाय सिर्फ मर्द कर सकता है। हर मंगलवार को हनुमान जी का सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। सिंदूर के चोले में ये सुबह सुबह चढ़ता है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, और इसमें सिंदूर होता है हनुमान जी वाला, चमेली का तेल होता है, बाद में सोने या चांदी का वर्क भी ऊपर लगाया जाता है। तो ये चीज़ ले जा करके आप हनुमान जी को चोला ये चढ़वाते रहो, और हर मंगलवार को ही गुड़ वाले चावल बना करके बेटा वो बांटते रहो, प्रसाद चढ़ा के, प्रसाद के रूप में। तो तब आपकी बेटा ये कर्जा भी उतरेगा और पार्टनरशिप भी अच्छी चलेगी। अब शनि चंद्र का मैंने उपाय नहीं बताया था जी। शनि चंद्र वाले जो है होंगे, अगर वो पार्टनरशिप ऐसी कर चुके हैं और विवाह में ये गलतियां कर चुके हैं, हिसाब किताब करने में गलतियां कर चुके हैं, पहली बात तो उनको आज से ही खाते बिल्कुल गहराई के साथ बैठ करके खोजने चाहिए और जांचने चाहिए, पहली तो ये, क्योंकि आज से अगर नहीं किया तो और थोड़े दिनों में आपके नसीब के अंदर घाटा ही आने वाला है, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा दो रंग का जानवर उनको कभी नहीं पालना चाहिए, चाहे गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, कुछ नहीं पालना चाहिए दो रंग का जानवर, एक सिंगल कलर का। तीसरा, इनके घर के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, इसका भी खास ख्याल रखना है। और चौथा फिर ये करना है, 43 दिन लगातार आप काली स्याही जो लिक्विड वाली होती है, ठीक है, वो लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो, समझिए। इतना काम करोगे तो बेटा पार्टनरशिप के अंदर स्मूथली बहते चले जाओगे। लेकिन शनि चंद्र वाले, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अगर खातों का ख्याल और एक एक रुपए का लेन देन बिल्कुल कड़वा बन के साफ नहीं करते, जो कि आपको मीठा बनने की इतनी आदत है कि अपने आप को लुटाते हो बेटा, तो ऐसे में आपका डूबना तय है, फिर तो परमात्मा मालिक है। उपाय ये कर लो, थोड़े से कड़वे बन जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से पार्टनरशिप चल सकती है। तो क्या फूल जो होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, हम कौन से दिन कौन से फ्लावर का चुनाव कर रहे हैं, क्या ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है? नहीं बेटा, इसका दिन से संबंध नहीं है। अच्छा। धरती पे जितनी भी वनस्पति है बेटा, वो सारी वनस्पति एक ही तो हो नहीं सकती जी। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पहले ना दिल्ली के बॉर्डरों पे बदरपुर के पहाड़ हुआ करते थे, है ना। हाँ जी। आज की डेट में तो सब बिक गए बदरपुर, सब मकानों में लग गए, ठीक है। उन बदरपुर के पहाड़ों के ऊपर ढाक के पत्ते लगा करते थे, और वो ढाक के पत्ते किसे बोलते हैं, जो बुध की आइटम है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है और कोई अवगुण नहीं है, बस वो पत्ते होते थे, ठीक है। उनका काम क्या होता था, तुम पहले वो कुलचे छोले खाया करते थे ना। हाँ जी। बचपन में हमारे और हमारे पिताजी ने भी खाए हुए हैं, तो वो ढाक के पत्ते के ऊपर परोसा जाता था ताकि सब्जी का जो स्वाद है असली वो रहे, कहीं पत्ते का स्वाद ना मिक्स होके आ जाए, समझे, उन ढाक के पत्तों। और ढाक के पत्ते कभी घुटने में दर्द, पाँव में दर्द या कहीं पे, तो उसके ऊपर एक स्पेशल लेप बना करके गर्म करके लगाया जाता था और उसे दर्द पे बांध दिया जाता था, जिसके कारण पत्ते का कोई असर नहीं होता था और दर्द वो दवाई चूस लेती थी, ठीक है। एक ये, तो ये ढाके पत्ते बुध के होते, गेंदे के फूल बुध के होते हैं, कनेर के फूल मंगल के होते हैं, चमेली के और मोगरा के ये शुक्र के होते हैं, और उसे नीले वाले फूलों को कुछ कहते हैं, मेरा दिमाग निकल गया दिमाग से, जितने भी पर्पल और नेवी ब्लू कलर के हैं ये सारे राहु के फूल होते हैं जी। तो ओके, एक वो तुमने मिक्स फूल देखे होंगे जो वाइट और पिंक के इकट्ठे आते हैं एक साथ, हाँ जी, हाँ है ना, वो केतु शुभ के होते हैं, समझ गए ना। इसी तरह से बेटा अलग अलग जितने भी फूल है वो किसी ना किसी ग्रह से कंसर्न है, जैसे गुलाब का है, गुलाब प्योर मंगल है, लेकिन आजकल एक मैरून गुलाब आता है ना, मैरून गुलाब मंगल का है, लेकिन जो पिंक गुलाब हमारे यहाँ इंडिया में पाया जाता है देसी, जो बहुत जल्दी झड़ भी जाता है एक ही दिन के अंदर, उसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, वो सूर्य का उपाय, समझ गए ना। तो इस तरह से बेटा अलग अलग वनस्पति, अलग अलग फूल, अलग अलग ग्रह से कंसर्न है। और एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट है जी। कि बेटा अगर मुझे 37 साल लगे हैं सीखने में, तो दूसरों को भी 37 साल लग सकते हैं, और ये हो सकता है कि किसी को 50 साल लग जाए, समझे ना। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर चीज़ की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, पर हमने ये अपनी सारी जानकारी अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है जी। वहाँ जाकर के डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डाल के
जो मैंने ये सब कुछ बना के डाला है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो कि मैंने किस किस तरह की चीज़ें खोज के आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम के साथ जोड़ दी। और आप खुद हैरान हो जाओगे कि जो चीज़ें आपको ही नहीं पता और आप भूल गए थे और थी आपके जीवन में, वो भी मैंने लिख के छोड़ी हुई है। समझे? तो ज़रूर देखो बेटा, ताकि आपको भी पता चले कि एस्ट्रोबोलॉजी कितनी बड़ी चीज़ है। और अब तो ये सच्ची भी है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी और आपकी जीवनी मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है। जब आज तक आपको ही अपनी जिंदगी समझ नहीं आई, तो आपका बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वो कैसे जानेगा? और आपके भोले भाले घर वाले, उनको तो दुनियादारी आती ही नहीं, आप उनके सहारे हैं, पर आपका सहारा कौन? मैं बन सकता हूँ आपका हर पग पे सहारा और दिखा सकता हूँ वो मार्ग जहाँ कांटे नहीं, सुखी सुख होंगे सारी जिंदगी। आपकी हर समस्या की जानकारी बस एक क्लिक। जाने अपना पूरा जीवन बिल्कुल फ्री astroscience.com पर। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां दुखों का एक अंश भी आपको छू ना पाए, राहों में आपके एक भी कांटा ना हो। ऐसी दुनिया जहां पैसे की तंगी ना झेलने को मिले और जीवन साथी का सच्चा प्यार मिले। भविष्य की हर मुश्किल का आभास आपको पहले से ही हो जाए, हाँ ऐसी एक दुनिया में आपके हाथों में देना चाहता हूँ बस एक क्लिक पर। जाने अपना पूरा जीवन बिल्कुल फ्री astroscience.com पर। रातों को सोच सोच के थक गए ना कि आपकी किस्मत कहाँ ले जा रही है? अपने परिवार और बच्चों की शक्ल देख देख के थक गए ना कि इनका भविष्य क्या होगा? जिंदगी में हर रोज नए दोस्त मिले, क्या कोई सही राह दिखा पाया? घबराए नहीं, मैं आपको और आपके परिवार को सही राह दिखा सकता हूँ बस एक क्लिक पर। जानिए अपना पूरा जीवन बिल्कुल फ्री astroscience.com पर। कई बार पढ़ लिख करके भी काम नहीं मिलता, और कई बार अनपढ़ इंसान पढ़े लिखों को नौकरी पे रख लेता है। एक मजदूर आदमी अपनी खुशहाल गृहस्थी चला लेता है, पर एक कामयाब इंसान अपनी गृहस्थी चलाने में असफल हो जाता है। क्या ये सब इतना मुश्किल है? नहीं, सब कुछ आसान है। जाने अपने बारे में सब कुछ बस एक क्लिक पर। जाने अपना पूरा जीवन बिल्कुल फ्री astroscience.com पर। चलो अपने बच्चे को नेता या अभिनेता बनाकर दिखाओ, चलो अपने जीवन साथी को अपने अनुसार चलाकर दिखाओ, और कोई भी आपकी खिलाफत ना कर सके ऐसा माहौल बना के दिखाओ। नहीं, ऐसा बहुत बार नहीं होता, होता वही है जो किस्मत में लिखा हो, और किस्मत में क्या लिखा है जाने बस एक क्लिक पर। जाने अपना पूरा जीवन बिल्कुल फ्री astroscience.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 01244660999। और अगर आप इसी समय अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो जाएं हमारी वेबसाइट astroscience.com पर। यहां अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालें और अपनी प्रिडिक्शन को अच्छे से पढ़ें। और जो भी इस समय प्रेजेंट में आपकी सबसे बड़ी समस्या है उसे आप कॉपी करें और पेस्ट कर दें हमारे फेसबुक के इनबॉक्स में। लेकिन यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही साथ अपना नंबर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के ज़रिए, तो हमारे इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्हें भी शेयर का बैज मिलेगा उन्हें एक साल का वर्षफल उपायों सहित दिया जाएगा। दर्शकों, यहाँ तो हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जब आप हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं तो आप केयर करते हैं अपने उन दोस्तों की, अपने उन परिवार वालों की जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गुरुदेव एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, सबसे पहले अपना नाम आप हमें बताएं। जी, मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी जी, नहीं मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उनकी डिटेल आप हमें दे दें। हाँ जी, जय माता दी गुरु जी। जय माता की बेटा। हाँ जी गुरु जी, आज मेरा दिन, लाइफ का ना बहुत अच्छा दिन है, मेरी आपसे बात हो रही है। माता रानी सुख दे, सदा स्वागत है। हाँ जी, गुरु जी मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1st मार्च। कितना? 1st मार्च। हाँ जी, 1973 जलंधर। हाँ जी जी, सवाल पूछें अपना। मेरा सवाल ये है कि मैं अपने काम, पति के काम के बारे में पूछना चाहती हूँ। जैसे हमारा फुटवेयर का काम है
और जैसे पैसे कई बार फंसे होते हैं वो नहीं निकल पाते, तो काम काज कुछ ऐसा ही है, ठीक ठाक है जी। 10-12 सूर्य राहु ओके। बेटा तेरे बेटे कितने हैं? मेरे एक बेटा है गुरुजी। ठीक है। और है। हाँ, और तेरे पति गुस्सा ज्यादा करते हैं या कड़वा ज्यादा बोलते हैं? गुस्सा कर लेते पे ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, इधर से ही होगा। तुमने कहा फुटवेयर का काम है, ये ठीक है बेटा उनका, वो मैटर नहीं है कोई। एक्चुअली में है क्या, ये 2012 10-12 यहाँ से ये योग ऐसा लगा हुआ है, कहते हैं कि इधर कमाई इधर खर्चा, और सारे शाही खर्चे ही होते हैं, और काम के योग बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल राहु का ये मेल ऐसा है समय समय के अंदर काम के अंदर भी अड़चने और उथल पुथल लेकर के आता है। फिर चौथे घर के अंदर जो केतु, वो कहता है थोड़ी देर तो होगी पर जिंदगी में सुख जरूर मिलेगा। तो पहले भी इनको तकलीफें रही होंगी, लेकिन बाद में परमात्मा ने सुनी, यहाँ तक आए, लेकिन अब ये पैसे नहीं जमा होने दे रहा, तो वो पैसा जमा होने का भी उपाय मैं तुम्हें आज बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ है। फिर इनको स्वास्थ्य में भी दिक्कत रहती होगी, और वो स्वास्थ्य के लिए भी आज मैं कंप्लीट उपाय इनको दूंगा। ठीक है, ये उपाय कर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर तेरा घर साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग है तो मेरे उपाय मत करना बेटा, क्योंकि फिर हालात ऐसे ही रहने हैं, और उपाय करके खाम खाई मेरा काम भी खराब होगा, कहने का मेरा नाम खराब होगा कि गुरुजी को उपाय किए थे, हुआ कुछ नहीं। क्योंकि साउथ या ईस्ट फेसिंग मकान में रहते हुए पैसा जोड़ना इनके लिए असंभव है। फिर योग ऐसा है कि जो मेहनत में मेहनत करवाएगा लेकिन पूरी तरह समृद्ध नहीं होने देगा, तो मेरी इस बात का खास ख्याल रखियो। उत्तरमुखी पश्चिममुखी मकान तुम्हारे लिए बहुत उत्तम है, इसका भी खास ख्याल रखना। तो अब उपाय क्या है, सबसे पहले तो बेटा 43 दिन मिट्टी का एक लोटा ले, छोटा वाला ले, उसमें आधे जौ आधी सरसों भर के और सीमेंट से मुंह बंद करके एक दिन पहले ही रख ले, अगले दिन जाके जल प्रवाह कर दो, ये 43 दिन करना है। दूसरा, हर साल 43 दिन लगातार शनि मंदिर के अंदर दूध देना है, हर साल जन्म तारीख आए उसके आसपास से दे दो। ठीक है, ये। और तीसरा, वही 43 दिन लगातार 12 कलियां सफ़ेद फूलों की वो लेकर के कच्ची ज़मीन में गिराएं, और हर रोज़ मंदिर ज़रूर जाएं और वहाँ कुछ ना कुछ लेकर के जाएं। और पत्नी जितनी काले रंग की गाय की सेवा करेगी, पति उतना ही स्वस्थ और उतना ही मालदार बनेगा। ठीक है, तो अब तेरे पे भी डिपेंडेंट हो गया। तो ये उपाय कर बेटा, बहुत जल्दी खुशखबरी दोगे कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। हाँ, एक पीतल का बर्तन ले लो, और पीतल के बर्तन में हल्दी की गांठें भर के पीतल का ही लूज ढक्कन लगा के उसे अपने सोने वाले कमरे में रख लो। तो इतना कर, बहुत जल्दी खुशखबरी देगी कि सब कुछ बहुत अच्छा है, दाता सुखी रखे। दर्शकों, यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुदेव से हमारी बात नहीं हो पाती है, हम गुरुदेव से बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ लगातार आपको यही कहती हूँ कि आप हमारी वेबसाइट astroscience.com पर जाएं, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालें और अपनी प्रेडिक्शन को अच्छे से पढ़ें, और जो भी इस समय प्रेजेंट में आपकी सबसे बड़ी समस्या चली आ रही है उसे आप कॉपी करें और पेस्ट कर दें हमारे फेसबुक के इनबॉक्स में, यहाँ अपना नंबर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप अपना वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान खोलना चाहते हैं, जो भी नीचे नंबर आ रहा है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। गुरुदेव, एक अभी अभी YouTube पर एक कमेंट आया है बबली पारस जी का, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त, ठीक है, 1993, ठीक है, और टाइम है 7:50 PM, 7:50 PM, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 7:40 PM, 7:40, हाँ जी, दिल्ली, ठीक है। लिखते हैं कि काफ़ी लोगों को पैसा दे रखा है, पैसा वापस नहीं मिल रहा है और बच्चों की शादी नहीं हो रही है। तो बेटा फिर ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है, 93 का तो बर्थ बता रही हो जी, यही यही लिखा हुआ है, मतलब तो अभी ये जो फिर जिसकी शादी नहीं हो रही उसका होगा ना, हो सकता है कि इन्होंने अपने बच्चों की भेज दी हो हमें। हाँ जी, चीज़ है। तो बात ये है बेटा, तुम्हारे बच्चे की कुंडली के अंदर तो डायरेक्ट योग बना हुआ है और उसके अंदर योग है मंगल और बृहस्पति सातवें घर में। इसके लिए लाल किताब बोलती है बेटा कि हर तरह की आमदन, माकूल आमदन होते हुए भी कर्जाई होगा, तो ऐसे लोगों का पैसा तो फंसता ही है बेटा, नंबर एक। नंबर दो,
दूसरी जो तुमने कहा कि शादी नहीं हो रही, तो उसका जवाब सुनो, शुक्र पांचवें में, राहु नौवें में, ये योग भी खराब है। वो बल्कि उल्टा, जब पेट के अंदर भी छोटी छोटी तकलीफें बनाने लगे, लूज मोशन लगाने लगे, ये हालात करने लगे, या सेहत के अंदर छोटी छोटी दिक्कत आने लगे, तो ये मैरिड लाइफ को भी खराब करता है। फिर तीसरा योग, सूर्य की दृष्टि, सूर्य छठे घर में, शनि बारहवें घर में, कहते जीवन साथी पे जीवन साथी मरता जाए, पहले मरते थे बेटा, आजकल छूटते हैं, समझे, और शादी नहीं होती, क्योंकि आजकल ये योगों के रंग बदल गए हैं। अब ये योग आता है तो पता चलता है कि पहली हो गई वो बीमार हो गई, दूसरी हुई उसके साथ में विचार नहीं मिले, इस तरह के हालात बनते हैं, समझे। तो बेटा इन तीनों योगों को ठीक करो, अपने आप पैसे भी आ जाएंगे, बच्चों की शादियां भी हो जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, उपाय क्या है, ज़्यादा है। पहला है 27 दिन लगातार 6 गुलाबी गुलाब, जो मैंने अभी देसी वाले गुलाबों की बात करी थी जिसमें खुशबू अच्छी होती है, 43 दिन 6 गुलाबी गुलाब लेकर के उनको वीरान ज़मीन में दबा दो, ये पहला। दूसरा, 43 दिन लगातार दूध में मक्खन डाल के मंदिर में दो, ठीक है, और एक चांदी की डिब्बी में शहर भर के वो अपनी जेब में रखो इस बच्चे के लिए, ठीक है। और तुम्हारे घर में साउथ ईस्ट के अंदर कोई अंधेरा कमरा होगा, और या फिर वो अंधेरे कमरे को तोड़ के तुमने कोई रोशनी कर दी होगी, अगर वो नहीं करी तो बेटा उसे एज इट इज़ रहने देना, वो पैसे रखने के लिए सबसे उत्तम जगह है, और वहाँ पर पैसा रखा हुआ तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहेगा। और अगर उसमें रोशनी कर रखी है तो वापस अंधेरा कर, ठीक है, ताकि उन मुसीबतों से छुटकारा मिले। और हर साल के लिए इस बच्चे के लिए उपाय है कि 3 दिन काला सफ़ेद कंबल अपने सर पे लगा करके मंदिर में दे, और हर साल ही 43 दिन लगातार 3 केले दान दे। इतना सा उपाय करके देख, बच्चों की शादी हो जाएगी, पैसे अच्छे रहेंगे, घर में बीमारी नहीं रहेगी, और बच्चों की तरफ से कोई तकलीफ नहीं रहेगी, सब अच्छा होगा, खुश रहता। तो गुरुदेव, अब जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं गुरु मंत्र का, तो आज का गुरु मंत्र क्या है? बेटा आज का गुरु मंत्र यही है कि बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिनको ना साल के अंदर एक बार, 3 साल में एक बार पाँव के अंदर मोच आती है, समझे। अगर मोच नहीं आएगी तो ये फ्रंट की हड्डी जो घुटने से नीचे है इसके ऊपर चोट लगती है, समझे। और बचपन के अंदर भी गिर के जिसके माथे पे निशान बन चुका हो, ये लोग बहुत मेहनती लेकिन शुरुआत में बहुत उदंडी, और इनका पता नहीं होता कि क्या करेंगे, लेकिन ये बाद में कामयाब तो होते हैं, लेकिन अगर ये उपाय कर ले तो, वैसे नहीं, ठीक है। और इनका उपाय क्या होता है इनको कामयाब करने का जी, कि साल में कम से कम 2-3 बार काला सफ़ेद कंबल ज़रूर दान दें, ठीक है, चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें, और गंगा जल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर अपने घर के अंदर रखें, ठीक है, और अपने घर के टॉयलेट बाथरूम इतने चकाचक करके रखने हैं, इतने अच्छे करके रखने हैं, और उनका दरवाज़ा इतना अच्छा करके रखना है कि कहीं जंग ना लगा हो, कुछ नहीं बल्कि खुशबू अंदर लगी रहे। अगर बेटा इतना सही कर लिया ना, तो ये उदंडी घमंडी नहीं बनेंगे, ये इतने काम के बन जाएंगे कि पड़ोस के लोग भी कहेंगे कि परमात्मा ऐसा पुत्र हमें भी दे, समझ गए, या ऐसी पुत्री हमें भी दे। तो ये पुत्रों पुत्री दोनों के लिए है, ये उपाय करके देखो बेटा, यही जो उदंडी है ये कल के बड़े काबिल शख्स बनने वाले हैं, खुश है दादा। कहते हैं कि अपने ईश्वर को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कितनी बड़ी हैं, बल्कि तकलीफों को बताओ कि तुम्हारा ईश्वर बहुत बड़ा है। और गुरुदेव ने हमें सब कुछ दिया है astrosigns.com में, दर्शकों कोशिश हमें करनी है, यहाँ हमें जाना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है, और फिर अपनी प्रेडिक्शन को अच्छे से पढ़ना है, और जो भी इस समय प्रेजेंट में आपकी सबसे बड़ी समस्या है उसे आप कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें हमारे फेसबुक के इनबॉक्स में, यहाँ अपना नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप अपना वशी ज्योतिष संस्थान खोलना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे जो नंबर आ रहा है वहाँ आप कॉल करें। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, क्योंकि हंसते हुए चेहरे हर किसी को अच्छे लगते हैं। गुरुदेव, हमेशा की तरह आज भी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। दाता खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्ती बख्शे माता रानी, सबके जय माता की। जिंदगी की मुश्किलें और मुश्किलों के कई कारण कभी हम समझ नहीं पाए, तो कभी परेशानियों का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ।
इसलिए हर क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए आज ही जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान से संपर्क करें।